देखते हैं। गांधी भवन में जीएसएमसी के इलेक्शन की मीटिंग रखी गई। आइए सुनते हैं मोहम्मद फेरोज खान की जुबानी। क्योंकि जब कांग्रेस के पूरे सीनियर आ रहे हैं तो पूरा कैनडा आ जाता है। आज जो हमारे पास यहाँ पे आप कितने लोग आए, क्योंकि ये पूरे सीनियर हो क्या है, अभी सीनियर के बाद आपने भी काम करना है। तो कभी भी कांग्रेस की शान पान पान हमारा कैडर है, हमारा कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता को ये मालूम है कि आज कांग्रेस को मुश्किल दौर से गुजरना। कांग्रेस के लिए आधी रात 3 बज रहे, इतना अंधेरा है, लोग फासिस्ट के पार्टी को माइग्रेट कर रहे हैं। पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, शेर दिल है, जिंदा दिल है, दरिया दिल है, अब आप और हमारे सर पे है जिम्मेदारी कि हम इंशाल्लाह कांग्रेस को सवेरा दिखाएंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़ा से बड़ा तूफान थम जाता जब आग लगती है सीनों में। तो ये आग खुद ताजा करना है मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आपके ऊपर निर्भर करता। क्योंकि मैं 2018 का चुनाव देख लिया, 2019 का चुनाव देख लिया, और मैं एक बात आज आपसे खुल के बोलूंगा, जितने भी हमारे कांग्रेस के सीनियर्स हैं, वो लोग बेहतरीन काम करें, उनपे से कोई एक उठिला शिकवा नहीं है, मगर जो ग्राउंड के ऊपर कार्यकर्ता था वो सही काम नहीं करा। क्योंकि हम दुनिया के कमजोर है इस बात में आकर के लिए, हमारे पास भूत कमेटी को छोड़ा भूत प्रेसिडेंट नहीं है, भूत कैप्टन नहीं है। हम माधु की पार्टी को देख के बोलते, अरे यार बीजेपी चुनाव कैसा जीता, बीजेपी चुनाव जीता नेशनलिज्म की बात पे और पन्ना प्रचार की बात पे। हमारे सीनियर बोलते बोलते थक गए, शक्ति कराइए। बस खाली मीटिंग में आना, मीटिंग अटेंड कर देना, जैसा यहां से बाहर बोलना खत्म करके स्वागत को फिर पूरे सीनियर आए पूरे मौजूद। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर ये बात में कांग्रेस को फिर हम लाना है तो पहले आपका ईगो प्रॉब्लम निकाल दूंगा, आपके मतभेद निकाल दो, आपके रंजिशें निकाल दो। आप बोलते कि आप बालका नहीं कि आप शेरे की,